हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के बहुत ही बड़े फीचर के बारे में बताने वाला हूं जो कि हाल ही में व्हाट्सएप में आया है। तो इसके जरिए अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स फाइल को व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो एंड्रॉइड फाइल्स को, यानी जो एपीके फाइल होती है, उन्हें अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है व्हाट्सएप के 2.1.254 अपडेट के अंदर आया है। तो अगर आपने अभी तक अपना व्हाट्सएप लेटेस्ट अपडेट नहीं किया तो उसे प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी फ्रेंड को या फिर ग्रुप में यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप अगर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ से एपीके फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे मैं यहाँ से एपीके फाइल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले जो फाइल थी व्हाट्सएप के ऊपर नहीं जाती थी, तो अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे जो फाइल है इस ग्रुप में यहाँ पर चली जाएगी। देखिए यहाँ पर जा रही है और इस तरह से आपको फ्रेंड को ये फाइल मिल जाएगी और वो इसे बड़ी आसानी से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अभी तक पता नहीं था। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।